दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वीगो एप्लीकेशन से होटल रूम कैसे बुकिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी वीगो एप्लीकेशन से होटल रूम बुकिंग करना चाहते हैं तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करके दोस्तों यहां से आपको वीगो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने फ़ोन में वीगो एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों आप वीगो एप्लीकेशन को ओपन करोगे दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहां पर हम होटल बुकिंग करने वाले, इसलिए दोस्तों यहां पर हम होटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने होटल बुकिंग का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन में दोस्तों आप कहां पर होटल बुकिंग करने वाले उसकी लोकेशन यहां पर आपको सर्च कर लेनी है। तो गाइस यहां पर मैं न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर आपको चेक इन और चेकआउट की डेट सिलेक्ट कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर मैं 28 और 29 सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड में गेस्ट और रूम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक एडल्ट सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च होटल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी लोकेशन सिलेक्ट किया उस लोकेशन पर जितने भी होटल रहेंगे वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमें बहुत सारे होटल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आप फिल्टर करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको चीपेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं कोई भी एक होटल यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं होटल अजंता सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको होटल्स की इमेज वगैरह देखने को मिल जाती है। और दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर आपको होटल की डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों नीचे की साइड में यहाँ पर आपको अलग अलग वेबसाइट की प्राइजेस भी देखने को मिल रही हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं ये वाला trip.com वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों आपका जो पेज है वो trip.com की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखते हो हमें बहुत सारे जो और भी होटल देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने ये वाला होटल सिलेक्ट किया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर हमें नीचे की साइड में सारी डिटेल्स देखने को मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड में अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिल रही है। आपके हिसाब से कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो फैसिलिटी वाइज। इसके बाद नीचे के साइड में यहाँ पर आपको इसके रिव्यूज़ वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। इसका लोकेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में यहाँ पर आपको इस साइड में इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। और इस साइड में यहाँ पर आपको सिलेक्ट रूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं ये वाला बुक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने गेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। नीचे की साइड में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो गैस यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो गैस डिटेल्स को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के साइड में आपका जो अमाउंट है वो देखने को मिल जाता है। इस साइड में यहाँ पर आपको बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे दोस्तों यहां पर आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको ऊपर की साइड में आपका जितना भी अमाउंट है वो देखने को मिल रहा है। और दोस्तों नीचे की साइड में यहां पर आपको आपकी जो कार्ड की डिटेल यहां पर आपको डाल देनी है। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना बैंक का कार्ड है उसका नंबर डाल देना है। नीचे की साइड में आपको कार्ड होल्डर नाम डाल देना है। और दोस्तों इस साइड में यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट डाल देनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको CVV नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पे विद न्यू कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आपका जो OTP है वो वेरीफाई करके दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट को पे कर देना है। जैसे दोस्तों आप पेमेंट को पे कर दोगे दोस्तों आपका जो होटल रूम है वो यहाँ से बुकिंग हो जाएगा। और दोस्तों आपकी जो बुकिंग की डिटेल है वो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप वीगो एप्लीकेशन के अंदर होटल रूम बुकिंग कर सकते हो।